लेक्चर हमने देखा इलस्ट्रेटर का वर्क एरिया और आज का हमारा लेक्चर रहेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हमने इलस्ट्रेटर के साथ ओपन करना सीख लिया। उसके टूल पैनल में पहला ही टूल हमें मिलता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है वी। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, उसको गोल गोल घुमाने के लिए और बड़ा छोटा करने के लिए ये टूल यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को फील कलर यानी भरा हुआ कलर, स्ट्रोक कलर यानी बॉर्डर कलर देने के लिए बहुत काम करता है। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने कोई डिज़ाइन बनाई है, अगर मैं उसको फील नहीं करूंगी तो वो इनकम्प्लीट लगेगी। जब हम ड्राइंग करा करते हैं तभी ये प्रोसेस हम ज़रूर करते हैं कि पहले हम बॉर्डर बनाते हैं, उसके बाद एक बार अगर हमारा ड्राइंग ख़त्म हो जाए उसके बाद हम उसमें कलर फील करते हैं ताकि हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो सके, राइट? अगर मैं बात करूँ थोड़े से और एरिया की, जैसे कि हमने सिलेक्शन टूल की बात करी, सिलेक्शन टूल यहाँ पे पहला ही टूल है जिसकी शॉर्टकट की मैंने बताई आपको वी। ओके, शॉर्टकट की हमेशा याद रखो क्योंकि प्रोफेशनली काम करने के लिए शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर सकती हूँ। फिलहाल मेरे आर्टबोर्ड पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम आगे चल के इसका यूज़ वापस देखेंगे। बट इलस्ट्रेटर के साथ थोड़ी बहुत और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रही हुई हैं, जैसे कि मैं बात करूँ रूलर। रूलर का मीनिंग होता है आपकी स्केल, आप जो रूटीन लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि परफेक्शन सबको पसंद आता है और डिज़ाइन जितनी परफेक्ट होती है उतना ही अच्छा दिखता है। हमेशा याद रखो कि रूलर एंड गाइड, जो आपको सेंटर अलाइनमेंट के लिए, स्पेस के लिए इलस्ट्रेटर में बहुत काम आती है। उसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जूम इन यानी कंट्रोल प्लस दबाने से आप इनसाइड जूम इन कर सकते हो, कंट्रोल माइनस दबाने से आप जूम आउट कर सकते हो, कंट्रोल ज़ीरो दबाने से आप फिट स्क्रीन कर सकते हो। ये सारी बातें व्यू पैनल के अंदर दी गई है, जूम इन, जूम आउट, फिट आर्टबोर्ड और रूलर। शो रूलर करने पे आपको एक रूलर यानी मेजर टैप जैसा ऊपर आ जाएगा जिससे आप गाइड को बाहर निकाल सकते हो, समझे? जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हो। बाकी प्रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंट सेटअप, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला, प्रॉपर्टी पैनल के अंदर डॉक्यूमेंट सेटअप एंड प्रेफरेंस मिलते हैं। डॉक्यूमेंट सेटअप यूनिट के लिए यूज़ होता है, जबकि प्रेफरेंस कीबोर्ड की इंक्रीमेंटल यानी कीबोर्ड की शॉर्टकट को बदलने के लिए, कीबोर्ड की जो एरो कीज होती है उसकी स्पेस बदलने के लिए यूज़ किया जाता है, समझे? बेसिक शेप को ड्रॉ करने के बाद अगर मुझे एडिट करना हो तो हमारे पास एक टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्टकट की है ए। ये टूल से आप किसी भी एंकर पॉइंट यानी जो बेसिक शेप बनता है, जो पॉइंट से बनता है, वो पॉइंट को एंकर पॉइंट बोलते हैं। उस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके आप उसकी जगह बदल सकते हो एंड पूरे शेप को एडिट कर सकते हो। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अभी एक इमेज है जिसमें स्टार के शेप को एडिट करा जा रहा है। ओके, कोई भी एक शेप को ड्रॉ करो। जैसे ही ड्रॉ खत्म करते हो, सिलेक्शन टूल के बाजू में है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एंकर पॉइंट यानी ये वाला डॉट सिलेक्ट कीजिए, आप उसको हटा सकते हो। साथ साथ प्रॉपर्टी पैनल चेक कीजिए, इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी आप क्लिक पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए आपके सर्कल का शेप चेंज हो गया, है ना इंटरेस्टिंग? आज हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा शेप टूल्स।